वैसे तो गूगल की एप्लीकेशन हम डिजिटल लाइफ में यूज़ करते रहते हैं ज़्यादातर अपने एंड्रॉइड फ़ोन में, लेकिन क्या आपको पता है कि गूगल का जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन है उसमें भी आपको बहुत सारा फंक्शनलिटी प्रोवाइड किया जाता है लेकिन आपको ज़्यादातर पता नहीं होता है। तो आज की स्टूडेंट जानते हैं कि क्लियरली उसके अंदर क्या क्या आपको मिलता है गूगल के सेल्फ एप्लीकेशन के अंदर। तो उससे पहले आपको करना नहीं है, आपको जाना है प्ले स्टोर पर और अपने गूगल के एप्लीकेशन को जो है लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करना है और उसको जो बीटा टेस्टर में एनरोल करना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देर के, आज इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने गूगल एप्लीकेशन को अपडेट कर लिया है, तो आपको जाना है अपने गूगल के सर्च बार में। तो यहाँ पर जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आप नॉर्मल सा न्यूज़ फीड मिलेगा जैसे कि आप स्क्रॉल करोगे, लेकिन यहाँ पर पहले आपको इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखना है और जाना है आपके थर्ड मतलब कि लास्ट पॉइंट पर, जो कि आपको नीचे की तरफ कॉलम दिख रहे होंगे पांच साइड, तो आपको लास्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर कस्टमाइज पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप जो भी अपना टॉपिक सेलेक्ट करोगे उसी के रिलेटेड आपको न्यूज़ फीड डेली मिलती रहेगी। मतलब अगर आप गूगल अपने डेली बेसिस पर यूज़ करते रहते हो न्यूज़ पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो जिन जिन टॉपिक पर आपको न्यूज़ चाहिए। तो अगर आपको चाहिए स्पोर्ट्स के रिलेटेड तो यहाँ पर आप आकर सेटअप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको चाहिए कोई बॉलीवुड सिनेमा के थ्रू आपको चाहिए तो वो भी यहाँ पर आपके सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जैसे आप देख सकते हो, आप अगर आप एक म्यूज़िक लवर हो तो नए नए रिलीज़ का वेट करते रहते हो और नए नए आपको मूवीज़ की कलेक्शन के बारे में जानना चाहते हो, तो यहाँ पर आकर उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। जिन जिन आपको पर्सनैलिटी फेमस पर्सनैलिटी और साथ ही साथ मूवीज़ का भी आपको कलेक्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करके जो है आप डेली बेसिस पर अपने न्यूज़ फीड को जो है देखते रहोगे, तो उसी के रिलेटेड आपको सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा वहाँ पर सर्च बार में। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मल्टीपल सेलेक्शन का ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आप सेलेक्ट करके जो है आप जो न्यूज़ फीड में ऐड कर सकते हो। तो ये सिंपल से छोटा सा ट्रिक है जिसकी मदद से आप अपने न्यूज़ फीड को कस्टमाइज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि गूगल का न्यूज़ फीड कस्टमाइज़ भी किया जा सकता है फिर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर सिंपली आप इस वे में आप जो है कस्टमाइज़ कर सकते हो और अपने तरीके से न्यूज़ फीड को ऐड कर सकते हो, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अपने डे टू डे लाइफ में आपको बहुत ही यूज़ रहेगा, क्योंकि आपको जो रिलेटेड आपको टॉपिक चाहिए तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख लेते हैं और आपको क्या ज़्यादा मिलता है। तो जैसे यहाँ पर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आप सेटिंग को ऐड कर सकते हो और यहाँ पर व्यू ऑल सेटिंग्स पर क्लिक कर सकते हो, लेकिन अगर आप अदर पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स आपको सामने न्यूज़ फीड में आते रहेंगे। जैसे कि अगर आपको प्राइस ड्रॉप का कोई भी, अगर पेट्रोल का प्राइस कम होता है फिर ज़्यादा होता है तो उसका भी आपको अपडेट्स मिलता रहेगा। अगर आपको कोई मूवी किसी के रिलेटेड चाहिए तो वहाँ पर भी आपको मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट आते हैं हमारा एक सेकेंडरी की तरफ, जो कि आता है फोर्थ कॉलम फोर्थ ऑप्शन पर। जैसे फोर्थ ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइट देखने मिल जाएंगी जो कि गूगल की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको डिफॉल्ट अपना थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ये ओपन होता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसी यहाँ पर वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको क्रोम ब्राउज़र के थ्रू ओपन आ जाता है। तो ये सिंपल सा वे है, अगर आप कोई भी एक शॉपिंग साइट या फिर कह सकते हो कोई ब्लॉगिंग पढ़ रहे हो तो यहाँ पर से आप आकर पढ़ सकते हो, क्योंकि गूगल से रिकमेंडेड आपको साइट्स मिलती हैं जहाँ पर बहुत ही वेरीफाइड और बहुत ही सिक्योर रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारा का सारा आपको मिलता है, यूट्यूब भी मिलता है और यहाँ पर आप देख सकते हो आपको जो जो भी आपको चाहिए यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। बुक मास्टर, अगर आपको टिकट ऑनलाइन बुकिंग करनी है बिना एप्लीकेशन को यूज़ किए हुए तो यहाँ पर आकर वेबसाइट से डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये ट्रिक आपको ज़्यादातर पता नहीं होती, लेकिन आप यहाँ पर आकर जो इसको जो यूज़ कर सकते हो लास्ट फोर्थ ऑप्शन में आप क्लिक करके। तो आप जानते हैं इसका मेरा मेन जो मुझे बहुत ही पसंद है वो है इसमें गेम्स। तो बिना एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए हुए इसमें गेम्स खेल सकते हो, जो कि यहाँ पर मैं आपको सही कह रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको नीचे गेम्स का सेक्शन भी आपको देखने मिलता है जहाँ पर आपको लिमिटेड गेम्स देखने मिल जाते हैं और अपडेट्स के थ्रू आपके गेम्स भी ऐड होते रहते हैं। तो यहाँ पर आप प्ले कर लेते हैं कोई भी गेम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर कोई भी एक गेम पर क्लिक करते हो तो वहाँ पर आपका गेम ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक टाइम पास के लिए आप गेम को खेल सकते हो, अगर आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपकी मेमोरी उतनी नहीं है या फिर कह सकते हो अगर आपको मेमोरी वेस्ट भी नहीं करनी है तो आप इस एप्ली मतलब कि आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो अपने डेली लाइफ में और टाइम पास के लिए आप इस गेम को खेल सकते हो। तो ऐसे नहीं, यहाँ पर आपको बहुत सारे गेम्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जहाँ पर आप खेल भी सकते हो या फिर मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर क्रिकेट हो गया, तो इसके बाद आपको स्नेक का भी गेम मिलता है जो कि आपकी नोकिया के स्टेट नोकिया 33 तक की स्मार्टफोन मोबाइल में आपको आपको देखने मिलता था, वही सेम यहाँ पर आपको देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली उस गेम पर क्लिक करना है, सिंपली अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखना है और इस गेम को एंजॉय करना है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बिना किसी मेमोरी के आप गेम खेल सकते हो जो कि बहुत ही यूनिक ट्रिक है। आप इसको एक बार के लिए ज़रूर से ट्राई करो और मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो लाइक की नहीं किया तो जाकर वीडियो लाइक कीजिए, लाइक कर दीजिए, हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपना मैथ्स क्विज भी आपको यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको डेली बेसिस पर क्विज खेलना अच्छा लगता है तो यहाँ पर आप बिना किसी एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर आकर जो है गेम्स को खेल सकते हो। सिर्फ आपको इंटरनेट कनेक्शन रहना चाहिए, अगर आप वाईफाई भी कनेक्ट कर लेते हो तो वो भी यहाँ पर चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैलकुलेशन और टाइमिंग के हिसाब से अगर आपका आईक्यू लेवल अच्छा है तो यहाँ पर अच्छा खासा आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको टाइमिंग भी आपको मिल जाएगी जितने टाइम में आपने गेम को फिनिश किया है। तो अगर आप कॉलेज में हो तो आपके लिए भी एक और सोल्यूशन है जहाँ पर अगर आपको
पीरियड बोरिंग लग रहा है तो यहाँ पर आप आकर जो फेमस गेम एक्सो खेल सकते हो, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा और मैं फ्यूचर में इसको खेलने वाला हूँ अपनी क्लासेस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप मशीन से भी खेल सकते हो या फिर कह सकते हो ह्यूमन से भी खेल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अगर आपको टाइम पास नहीं हो अपने बोरिंग क्लासेस में तो आप इस गेम को यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक फंडा था कि आपको यहाँ पर गूगल के थोड़े टिप्स बता दूँ जो कि आप रेगुलर बेसिस पर यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सी वैराइटीज अदर साइट्स भी आपको देखने मिल जाते हैं, जहाँ पर आप मूवीज़ को या फिर कह सकते हैं रिव्यू कर सकते हो, न्यूज़ को पढ़ सकते हो और साथ ही साथ जो भी आप यहाँ पर इकोनॉमी चल रही है तो उसको देख सकते हो, बैंकिंग के रिलेटेड और एंटरटेनमेंट के रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गूगल के साइड बार में आपको देखने मिल जाता है। आपको सर्च सिंपली जाकर सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट आपको गूगल की तरफ से आपको बतानी थी। तो होप करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हो तो वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ एक और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।